हेलो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जलने वाले ऐसे ही जल जाएंगे और इतिहास रचने वाले इतिहास रच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों ये क्वेश्चन IAS PCS SSC HSC ग्राम सचिव इंडिया के जो भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। ब्राह्मी, ब्राह्मी किस काम आती है? ब्राह्मी जो होती है दोस्तों वो टॉनिक के रूप में काम आती है, मस्तिष्क के टॉनिक के रूप में। ब्राह्मी के लेने से जो हमारी याददाश्त शक्ति होती है वो तेज हो जाती है। सदाबहार, सदाबहार, सदाबहार किस काम आता है? सदाबहार आता है वातार, सदाबहार वातार होता है और ये सदाबहार बुढ़ापा रोकने के भी काम आता है। अगर आप सदाबहार की दो तीन पत्तियां डेली खाते हैं तो आप में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा पर इतनी जल्दी नहीं आएगा। पुदीना, पुदीना काम आता है कफोत्सार, ये कब को शांत करने वाला, सॉरी कब को शांत करने वाला है। तुलसी, तुलसी काम आती है मधुमेह को दूर करने के लिए, किस काम आती है मधुमेह को दूर करने के लिए। लौह अंश का सबसे, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में सबसे अधिक लौह का अंश पाया जाता है। वो कहते हैं ना, हरी सब्जी खाओगे तो खिल जाओगे। हरी सब्जी खाने से हमारे चेहरे पर भी रौनक आती है क्योंकि उसमें लोहा होता है, लोहे की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो चेहरा ग्लो करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, प्रोटीन एवं वसा की दोनों की प्रचुरता किसमें है? तो प्रोटीन और वसा की दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में, किस में? मूंगफली में। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा, करौंदों के अंदर जो लौह की मात्रा होती है वो प्रचुर होती है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, गेहूं में क्या होता है? गेहूं में होता है ग्लूटेन। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा पुलिस SI में पहले पूछा भी जा चुका है, अगर आपने पहले एग्जाम दिया होगा तो आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, तो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है चने में होती है, मटर में होती है, गेहूं में होती है, सोयाबीन में होती है। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा भी होगा, सबसे अधिक सोयाबीन होती है, प्रोटीन सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। जो हमारे एथलीट पहलवान होते हैं वे सोयाबीन की दाल भी इसलिए खाते हैं ताकि उनको ज्यादा प्रोटीन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे अधिक किस चीज की मात्रा होती है? तो दोस्तों पालक के पत्तों में सबसे अधिक क्या होता है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादपलाय एक सुविधा है, पादपलाय क्या सुविधा है? पादपलाय नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए एक सुविधा है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा है? तो हरित क्रांति में मुख्य पादप है मैक्सिकन गेहूं। जो मैक्सिकन गेहूं है उसने जो हरित क्रांति हुई थी उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था क्योंकि मैक्सिकन गेहूं एक ऐसा गेहूं है उसकी पैदावार सबसे अधिक होती है। जब हरित क्रांति हुई तब मैक्सिकन गेहूं ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पुदीना के किस भाग में सबसे अधिक तेल पाया जाता है? पुदीने की जड़ में पाया जाता है, तने में पाया जाता है, या पुष्प में पाया जाता है, या पत्ती में पाया जाता है, बताओ भी। तो किस में पाया जाता है सबसे अधिकतम तेल? तो पुदीने की जो पत्ती होती है उसके अंदर
सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में तेल पाया जाता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पहले पूछा भी जा चुका अभी। केसर मसाला सेफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लगाया जाता है स्टिग्मा, जो उसके अंदर पत्ती के अंदर वो जो एक कली से निकली रहती है ऐसी, उसका यूज किया जाता है केसर बनाने के लिए। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो एक क्वेश्चन पहले भी आया था, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पे पाई जाती है? सोयाबीन में। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, लाल मिर्च में क्या होता है? कैप्सिसिन। क्या होता है लाल मिर्च में? कैप्सिसिन। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? इसका कारण है सल्फर यौगिक। वो कहते हैं ना कि जब आदमी व्रती हो तो उसको लहसुन और प्याज नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ये ताक्षणिक है, ताक्षणिक यानी कि हमारी उपाचय जो क्रियाएं हैं उनको बता देता है, इसलिए कहते हैं कि व्रत करने वाले आदमी को लहसुन और प्याज नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें सल्फर का यौगिक होता है। आपको ये अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये साथ के साथ याद भी होते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो लोहे का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पालक। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इन फसलों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में एरोमिक अम्ल की बहुत अधिक अल्प मात्रा होती है। इनका भी आपको अच्छी तरह से मिलान करना। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है बताओ भाई? टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन मानव लिंग का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। कोडिंग क्या है बताओ भाई? कोडिंग क्या है? कोडिंग जो है वह बेहोशी करने की एक ड्रग है। क्या है? सॉरी, ड्रग। कुचुक, कुचुक क्या भाई बताओ? कुचुक क्या है? कुचुक है रबर का स्रोत पदार्थ। यूजेनोल, यूजेनोल क्या है? लौंग का सुगंधित तेल है यूजेनोल। हींग प्राप्त होता है फिरुला ऑस्टिफोस्टा पौधे के किस भाग से? तो हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हींग प्राप्त होता है पौधे की जड़ से। चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? तो चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों चुकंदर की जो जड़ होती है उससे शक्कर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करक्यूमा डोमेस्टिका किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी के परकंद से हल्दी की गांठें प्राप्त की जाती है। आम किस कुल से संबंध रखता है? आम किस कुल से संबंध रखता है? आम एनकाकार्डियसी किस कुल से संबंध रखता है? एनकाकार्डियसी कुल से। वीलो की लकड़ी प्रयुक्त होती है? वीलो की लकड़ी किस चीज में प्रयुक्त होती है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पहले पूछा भी जा चुका है। तो विलो की लकड़ी किस में यूज होती है? विलो की लकड़ी यूज होती है क्रिकेट के बल्ले बनाने में, विलो की लकड़ी का यूज किया जाता है। लाल चना क्या है? लाल चना अरहर है। क्या है? अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? तो सिंकोना, सॉरी 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 रायोल्फिया। क्या? रायोल्फिया क्या कहलाता है? सर्पगंधा। नेक्स्ट है, मक्का के दाने से निकाला जाता है, मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है?
मक्का के दाने से निकाला जाता है जिएटिन। क्या निकाला जाता है? जिएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्कर के अतिरिक्त किस फसल से, शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? बताओ दोस्तों, शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर है ये 26, और ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि गन्ने के अलावा किस फसल से प्राप्त होती है। शकरगंद से, कुचला से, आलू से, चुकंदर से। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको करा चुके हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप कितने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम है। तो इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम है डरबर्सिया सिसो सिसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसकी साल से प्राप्त की जाती है? क्योंकि किसकी साल से प्राप्त की जाती है? तो क्योंकि प्राप्त की जाती है सिंकोना की छाल से। किससे? सिंकोना की छाल से क्योंकि प्राप्त की जाती है। रेसिपिन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होती है? रेसिपिन किसकी जड़ से प्राप्त होती है? तो रेसिपिन प्राप्त होती है सर्पगंधा से। सर्पगंधा से। एट्रोपा बेलाडोना की किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो बेलाडोना औषधि किससे प्राप्त होती है? बेलाडोना प्राप्त होती है पत्तियों तथा जड़ से। गेहूं का दाना है, गेहूं का दाना क्या है? बीज है, भ्रूण है, तना है या फल है? तो गेहूं का दाना क्या है? तो गेहूं का दाना एक फल है। हॉकी स्टिक बनाई जाती है, तो हॉकी स्टिक बनाई जाती है मोरिस एल्बा से। किसे? मोरिस एल्बा से। कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? तो लाइसिन वे थ्रियोनिन। लाइसिन वे थ्रियोनिन प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। चाय में उत्तेजी गुण इनमें से उपस्थित किस एल्कलॉइड के कारण होता है? चाय में क्या होता है? केफिन। क्या होता है चाय में? केफिन। खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? खेसारी दाल का अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो कौन सा रोग होने की संभावना हो जाती है? प्लेथाइडिज्म। किस खाद्यान्न के अधिक खाने से प्लेगरा नामक रोग का प्रकोप होता है? तो अगर आप ज्वार खाएंगे तो आपको प्लेगरा रोग हो सकता है। तो भाई दोस्तों फ्रेंड्स, आप ज्वार न खाएं, आप घी खाएं, दूध पिए, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, पर ज्वार ना खाएं क्योंकि इससे आपको प्लेगरा रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। लोहा पाया जाता है करौंदे में। क्या करना? करौंदे की सब्जी। घर के क्या अगर करौंदे की सब्जी, और वो था मैं स्वाद नहीं लग गया करे, तो उसमें ही लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। अधोलिखित में से किस तेल हृदय रोगियों के लिए काफी उपयुक्त तो है? तो कौन सा तेल जिनको बीपी है यानी हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही जरूरी है, अगर वो खाओगे तो हार्ट अटैक से बचे रहोगे? तो वो तेल है सूरजमुखी का तेल। कौन सा? सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित है? तो ये कैसे जलवायु के हैं? तो ये हैं शीतोष्ण कटिबंध के। शीतोष्ण कटिबंध के सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये कहाँ पे कहाँ है वजह? भाई आप हिमाचल जाओगे तो आप देखोगे जो ऊंचाई के वे होंगे, जहां पर ठंड अधिक होगी वहां पर सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट इनके पेड़ है वे बहुत तादाद में पाए जाते हैं। तो आपको इससे ये भी पता लग गया भाई हिमाचल प्रदेश है जो, उसका जो ऊपरी हिस्सा वो कैसा है, वो है शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत है, अखरोट में कुल वसा का कितना प्रतिशत है? तो अखरोट में है 64.4% अखरोट में वसा होती है। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में अधिकतर शर्करा पाई जाती है फ्रक्टोज। कौन सी? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है? फलों में। फैसे फल और फैसे फ्रक्टोज, याद भी बिल्कुल
एक बार में ही हो जाएगा, और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2008 में पहले पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? सब्जियों से हमें प्राप्त होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स विटामिन्स किससे प्राप्त होते हैं? सब्जियों से। और जो विटामिन्स होते हैं ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, इनका काम होता है शरीर की उपाचय क्रियाओं को सुचारू रूप से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो सैकेरिन है वो उत्पाद नहीं है। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? तो इसका सभी को पता होगा कि समुद्री खरपतवार होती है उसमें आयोडीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? तो कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 20 से 30 मीटर की गहराई तक समुद्री पादप पाए जाते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से एंजाइम मिलता है डाइस्टेज। कौन से एंजाइम मिलता है? डाइस्टेज। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? तो मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? एरोमेटिक अमीनो अम्ल के कारण। किसके कारण? एरोमेटिक अमीनो अम्ल के कारण। पके हुए अंगूरों में होता है, तो पके हुए अंगूरों में क्या होता भाई बताओ? पके हुए अंगूरों में होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। दोस्तों अगर आपको एक बार बताता हूँ, अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब तक हमने वीडियो शेयर नहीं करी है तो वीडियो ने शेयर करो ताकि थारे और भी बाण भाई इस वीडियो ने देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? गलानन। गलालन चाय पत्तियों में आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संग्रहालय हेरबिलियम क्या होता है? क्या होता भाई वनस्पति संग्रहालय हेरबिलियम क्या होता है? वनस्पति संग्रहालय हेरबिलियम होता है पौधों के सूक्ष्म नमूनों का परिरक्षण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगरोध विनियम का संबंध है, संगरोध विनियम का संबंध किससे है? तो संगरोध विनियम का संबंध है रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से, रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, बीटा ब्लॉकर क्या बचाने हेतु औषधि है? तो क्या है? हृदयघात। हृदयघात के लिए बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंगूर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफीम का मुख्य अवयव है, तो अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अफीम किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन से। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन है? अलसी। अलसी इसका सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है, येलो वेन मोजेक क्या है, किसकी गंभीर बीमारी है? तो यह है भिंडी की गंभीर बीमारी है भाई, येलो वेन मोजेक। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है, यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो यह भारत के खोजी गई है अन्नामलाई वन में। कहाँ पे खोजी गई है? अन्नामलाई वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में निम्नांत की उपस्थिति के कारण है? तो तुलसी का पौधा क्या सा है? अकार्बनिक अम्ल होता है। क्या होता है तुलसी में? अकार्बनिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केस बाल, खुर, लूता रेशम, स्पाइकल मिल्क। तो कपास है, ये क्या है? ये प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएँ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि हम
आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो उपलब्ध करा सके। दोस्तों आपके इस यूट्यूब चैनल पर HSC का CAT जो होने वाला है, SSC, CPO, CGL, MTS, UPSI, ग्राम सचिव पटवारी, जो भी भारत के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी सबकी तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।